जय हिंद, जय भारत। नगीना क्षेत्र के सांसद एवं बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी एवं भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद का एक बयान सामने आया आज सुबह कि जो 10% EWS का आरक्षण है वो समस्त आरक्षण पर बड़े से बड़ा हमला बताया है। तो मैं आज उनको बता देना चाहता हूँ कि चंद्रशेखर जी, संविधान उठाकर एक बार पढ़ लीजिए। संविधान में हर हमेशा किसी एक जाति को लेकर आरक्षण देने की कोई ऐसी बात नहीं है जो आप बता रहे हैं। आप हर बार सामने आते हो पिछड़ेपन का नेजा लेकर, आप हर बार सामने आ जाते हो SC एवं ST समुदाय के हितों के रक्षा हेतु। हाँ ठीक है, चलो SC एवं ST के अधिकारों के हितों की जो आपका मुखियापन है, अच्छा है, लेकिन आपको हर बार सवर्ण वर्ग क्यों खटक रहा है? आपने आपकी हर एक बात से ऐसा साफ साफ होता है कि आप पिछड़ेपन का नेजा लेकर सवर्णों के अधिकार को कुचलना चाहते हैं। आपको क्या दिक्कत है 10% आरक्षण जो आर्थिक आधार पर किसी एक समुदाय जिसमें काफी लोग आज गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन यापन अदा कर रहे हैं? तो आपको सोचिए, आप तो सांसद लेवल की बात करनी चाहिए, नहीं कि ऐसे छोटी छोटे पायदान पर। आप सिर्फ और सिर्फ तुष्टिकरण की राजनीति के अलावा कुछ नहीं किया है। आपका बैकग्राउंड हम सब जानते हैं और मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ इस यूट्यूब के माध्यम से कि आज हर एक भारतीय आपका मुखौटा जानता है। सिर्फ और सिर्फ पिछड़ेपन का मुखौटा पहनकर, सिर्फ और सिर्फ पिछड़ेपन का नेजा लेकर आप किसी अन्य समुदाय पर ऐसी घृणात्मक स्पीच नहीं दे सकते हो।